के फिरोजपुर में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, खेती कानूनों के विरोध में हंगामा। संगरूर में भी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल, सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। दिल्ली के लिए ट्रैक्टरों पर निकली है किसानों की बेटियां, टीकरी बॉर्डर पर पहुंची पंजाब की महिलाएं। कल दिल्ली की घेरेबंदी की तैयारी में है किसान, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर निकलेगी ट्रैक्टर रैली। किसानों की कल की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस ने कसी कमर, करनाल पानीपत से यूपी की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा ट्रैफिक। किसानों ने 26 जनवरी पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने की दी है चेतावनी, गांव-गांव जाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। किसान आंदोलन के 42वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हालात में नहीं हो रहा कोई बदलाव, सरकार को बातचीत जारी रखने के निर्देश। किसान आंदोलन पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी कानूनी जिरह। 42वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन, दिल्ली के चारों तरफ भारी बारिश में भी डटे हैं आंदोलनकारी किसान। टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने बनाया अपना आशियाना, मेट्रो पिलर पर लगे नंबर को बनाया अपना कोठी नंबर। अमृतसर में 105 दिन से जारी है किसानों का धरना, बारिश के बावजूद बुलंद है आंदोलनकारियों के हौसले। यूपी के बदायूं में 50 साल की महिला से दरिंदगी, गैंग रेप के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या। शाम को मंदिर के लिए निकली थी महिला, रात के अंधेरे में घर के बाहर लाश को फेंक कर भागे आरोपी। सूचना के बावजूद पुलिस ने नहीं दर्ज की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के बाद लिखी गई FIR। बदायूं कांड में 48 घंटे बाद पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम, लापरवाही के आरोप में थानेदार सस्पेंड। वारदात के बाद खुलेआम घूमता रहा मुख्य आरोपी, मीडिया के सामने खुद को बताता रहा बेकसूर, कहा कुएं में गिरने से हुई महिला की मौत। घरवालों का पूर्ण तो फिर इसके बाद उन्होंने घरवालों को सूचना ना दी, घरवालों का पूर्ण नंबर ना हो फिर दही बात में सूचना ना। फिर जी मर कैसे गई, हाँ कुएं में कैसे गिरी? कुआं में आई है तब मैं लेकर ही था, गिरी अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी। बदायूं कांड में पुलिस ने दो आरोपी पकड़े, मुख्य आरोपी फरार, पुलिस ने सिर पर रखा इनाम। जो तीन अभियुक्त थे उनमें से दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, एक अभियुक्त फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है। बदायूं कांड को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, मुख्य आरोपी पर लगेगा NSA। फास्ट कोर्ट में चलेगा बदायूं कांड का मुकदमा, जांच में सहयोग करेगी STF की टीम। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच हो रही है और जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बदायूं कांड पर सुलगी सियासत, कल मृतक के परिवार वालों से मुलाकात करने जाएगी समाजवादी पार्टी की टीम। बदायूं कांड में कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर साधा निशाना, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानूनों पर रोक लगाने से किया इनकार, यूपी और उत्तराखंड ने बनाए कानून। बोरिस जॉनसन की यात्रा रद्द होने के बाद मचा सियासी घमासान, कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार को दी 26 जनवरी का समारोह रद्द करने की सलाह। शशि थरूर के वार पर संबित पात्रा का पलटवार, कहा राहुल गांधी ने क्यों नहीं रद्द किया अपना कार्यक्रम। कोरोना पर वैक्सीन से प्रहार के लिए युद्ध स्तर की तैयारी, 8 जनवरी को देश के सभी जिलों में होगा ड्राई रन। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी शुरू हुई कवायद, कल राज्यों से बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। बिहार के सीएम ने वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया, कहा 14 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा टीकाकरण का काम। अभी तक उसका डेट तो नहीं घोषित किया गया केंद्र सरकार का, लेकिन मान लीजिए हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि इसी महीने से शुरुआत होनी चाहिए। देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए केस, 21,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, एक दिन में 264 लोगों की मौत। 1 करोड़ के करीब पहुंची कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या, देश में 2,27,000 एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 654 नए मामले, 719 लोग हुए रिकवर, 16 मरीजों की जान गई। कोविड के साथ साथ अब बर्ड फ्लू का भी खौफ, लगातार हो रही कौओं की मौत के बाद ज्यादातर राज्य सरकारों ने जारी किया अलर्ट। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है केंद्र सरकार, आज तक से बोले गिरिराज सिंह, डरने की नहीं है जरूरत। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार सक्षम है, हम कई बार इससे फ्लू से हम मुक्त हो चुके हैं, इससे भी हम मुक्त होंगे। पश्चिम बंगाल में जारी है राजनीतिक भागम भाग, TMC के विधायक वैशाली डालमिया ने दिया इस्तीफा।
वहां पे इतना कटमनी ले लिया कुछ एक्स काउंसिलर्स ने कि लॉकडाउन के दौरान हालांकि गाड़ी नहीं चली रस्ते में, लेकिन बाय मे एंड रास्ता पूरा खत्म। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, मुकुल रॉय बोले इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी टीएमसी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में समाजवादी पार्टी का डफली बजाओ आंदोलन, विधायक के कार्यालय को घेरकर विरोध प्रदर्शन। महोबा में गुलाबी गैंग ने गरीब महिलाओं को बांटे कंबल, नए साल का तोहफा दिया। दिल्ली में जन्मदिन के जश्न में चाकूबाजी, 3 लोग घायल, पार्टी में मची अफरा तफरी। पुणे में एक्साइज विभाग की बड़ी कामयाबी, 36 लाख की शराब बरामद, एक गिरफ्तार। राउरकेला स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, गैस लीक होने की वजह से 4 लोगों की मौत। मुरादनगर हादसे में सामने आया चीख पुकार वाला ऑडियो, मलबे में दबे लड़के ने खुद को बचाने के लिए किया था कॉल। मुंबई में ऑनलाइन फ्रॉड गैंग का खुलासा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवाने के नाम पर करते थे ठगी। बैतूल में नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, नकली सोने की गिन्नियां और बिस्किट बेचकर करते थे ठगी। महाराष्ट्र के ठाणे में बस में लगी आग, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बैतूल में विज्ञापन कंपनी ने ठगी की रकम दोगुनी करने का लालच देकर 15 करोड़ लेकर फरार। हरियाणा के सिरसा में एक शख्स की हत्या से हड़कंप, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। पंजाब के मुक्तसर में पुलिस के हाथ आया नशे का बड़ा तस्कर, 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में तार तार हुए इंसानी रिश्ते, महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया पति का कत्ल। सीतापुर में मंगलवार से लापता प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी, दोनों की लाश पर गोलियों के निशान। जमशेदपुर में 2 दुकानदार भिड़े, छेड़छाड़ को लेकर विवाद हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से सिडनी में शुरू हो रहा है महासंग्राम, जीतने वाली टीम का सीरीज पर होगा कब्जा। सिडनी में फिर ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल। वार्नर की वापसी से जोश में है टीम ऑस्ट्रेलिया, कप्तान टिम पेन ने कहा वार्नर का होना हमारी मजबूती की गारंटी। ब्रिस्बेन टेस्ट को लेकर कप्तान रहाणे का बड़ा बयान, कहा वहां इंडिया टेस्ट खेले या ना खेले बीसीसीआई ही करेगी इस पर फैसला। अस्पताल से कल डिस्चार्ज होंगे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, कुछ टेस्ट दोबारा होने की वजह से आज नहीं मिल पाई छुट्टी। दिल्ली में आज भी जारी है बारिश, कई इलाकों में ओले गिरे, कोहरा भी लोगों को कर रहा परेशान। दिल्ली में अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम, आसमान से बादल छटते ही और घटेगा तापमान। काफी दिनों तक ठंडक रहनी चाहिए थी, वो उतने दिनों तक नहीं रहेगी, सिर्फ 2 दिन, कल सवेरे और 8 तारीख के सवेरे हमारे पास तापमान में गिरावट होगी, 9 तारीख से फिर से तापमान में वृद्धि हो जाएगी। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में एक बार फिर गिरावट, 0 से 2 डिग्री नीचे लुढ़का न्यूनतम तापमान। हिमाचल के सिरमौर में लगातार 2 दिन से हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट। लाहौल स्पीति में 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, 0 से 13 डिग्री तक नीचे गया तापमान। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बरसात, किसानों को सता रहा फसल खराब होने का डर। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद शुरू हुई बर्फबारी, जाड़े से आम जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में 2 दिन से जमकर हो रही है बारिश, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी, 2 फीट मोटी बर्फ की चादर से हुआ भगवान बद्री विशाल का शुरू। उत्तराखंड की मसूरी में बारिश के बाद बर्फबारी, शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। उत्तराखंड के टेहरी में बदला मौसम का मिजाज, घनसाली के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त बर्फबारी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, पीने के पानी की किल्लत बढ़ी। 3 दिन से देश के और हिस्सों से कटा कश्मीर, उड़ाने रद्द, एयरपोर्ट पर बिछी बर्फ की चादर, हाईवे भी बंद। कश्मीर के बांदीपुरा में भी जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर बिछी 3 इंच मोटी बर्फ की चादर। 263 अंकों की गिरावट के साथ 48,174 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 53 अंक लुढ़ककर 14,146 पर बंद हुआ निफ्टी। गुरुवार को 29 दिन बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 26 पैसे डीजल 25 पैसे लीटर हुआ महंगा। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना का प्रकोप बढ़ने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट की आशंका जताई, कहा -9.6% तक लुढ़केगी भारत की इकॉनमी। अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पर मंथन करेंगे पीएम मोदी, शुक्रवार को अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के उपायों पर होगी बात। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी की बिक्री में जोरदार तेजी, फेस्टिव सीजन के सहारे 17% बढ़ी बिक्री। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एयरटेल, एजीआर की कैलकुलेशन में गड़बड़ी का आरोप लगा। शाहरुख खान के सिग्नेचर वाली डेनवर ऑटोग्राफ कलेक्शन को ऑक्शन में मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, 1 लाख रुपए में बिकी परफ्यूम की एक बोतल। फ्यूचर अमेजॉन विवाद में किशोर बियाणी ने जताया भरोसा, कहा सेबी की मंजूरी मिलने के 2 महीने में पूरी हो जाएगी रिलायंस के साथ डील।
नए साल की शुरुआत के साथ ही कंपनियों ने ऑफिस में कर्मचारियों को बुलाना शुरू किया। 15% से लेकर 30% तक स्टाफ को मिला वर्क फ्रॉम होम। टोयोटा ने लॉन्च किया फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वर्जन, करीब 30 लाख रुपए है एसयूवी का शुरुआती दाम। दुनिया में 8,68,00,000 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 18,77,000 से ज्यादा की हो चुकी है। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3900 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2,16,00,000 के करीब संक्रमितों की संख्या। ब्रिटेन में अब तक 13,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन, एक हफ्ते में 20,00,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। कोरोना की जांच के लिए चीन का दौरा करने वाली विशेषज्ञों की टीम को नहीं मिली इजाजत, WHO ने जताई नाराजगी। लोगों को 21 से 28 दिन के भीतर फाइजर वैक्सीन के लेने के होंगे 2 डोज, WHO ने जारी किया दिशा निर्देश। पुर्तगाल में फाइजर की वैक्सीन लगाने के 2 दिन बाद नर्स की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। दुनिया के 41 देशों में पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन, 14 दिसंबर को ब्रिटेन में आया था पहला मामला। जर्मनी में 31 जनवरी तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों से की घरों में ही रहने की अपील। इसराइल में सरकार ने दी सख्त लॉकडाउन की मंजूरी, 7 जनवरी से 21 जनवरी तक देश में लागू होगी पूरी तरह पाबंदी। कोरोना की वजह से टाला गया संगीत जगत का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड समारोह, 31 जनवरी को अमेरिका के लॉस एंजलिस में होना था। चुनाव नतीजों को लेकर अमेरिका में अभी जारी हंगामा, वाशिंगटन में ट्रंप के समर्थकों ने किया हंगामा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सत्तारूढ़ पार्टी का सम्मेलन, 5 साल में पहली बार हुआ आयोजन। 2021 के लिए चीन की फौज ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, शी जिनपिंग ने जवानों को किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने को निर्देश दिया। यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन के नए डील को लेकर मुश्किल में कारोबारी, फ्रांस में खाली पड़े मार्क स्पेंसर के स्टोर। बोलिविया में भारी बारिश और बाढ़ का कोहराम, सड़कों पर दिखा सैलाब, डूब गई गाड़ियां।